कल वाल्मीकि तीर्थ ते समाज जगाओ इस विषय ते एक हंगामी मीटिंग प्रधान कुलदीप सिंह जी की रहनुमाई हेठ की गई। इस मीटिंग दे विच कुछ अहुदेदारियां भी दित्तियां गईयां जो कि आने वाली गां सरकारां दे हित दे विच जागरूक करनगियां। अते प्रधान कुलदीप सिंह जी ने आए हुए सारे समूह मैंबरां नूं संबोधन किया। आओ वेखिए इस समागम दीआं लाइव तस्वीरां। जोगिंदर सिंह मान आदिवासी गुरु ग्यारनाथ पूर्ण संघर्ष दल कौमी चेयरमैन वाल्मीकि तीर्थ ज्ञान आश्रम अमृतसर जो अज आदिवासी कौम की वाल्मीकि तीर्थ ज्ञान आश्रम से मीटिंग की गई जिदे समाज दियां दुख तकलीफां जो हैगियां जो समाज के उत्ते पूरे पंजाब के अंदर और पूरे देश के दे अंदर जो अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं उन्होंने उत्ते गंभीरता नाल विचार किए गए और समाज में हक्का प्रति जागरूक करने वास्ते अपराले करने वास्ते जड़ा नौजवानों नू प्रेरित किया गया। और मैं सारे देश दे आदिवासी कौम नू इहो ही कहना चाहुंदा कि जे अज असी इना मनुवादी सरकारां दा जो सरकारां 74 साल तो साड़ी वोट नू लुट के और साडे समाज नू ही कुट के अत्याचार कर दियां उन्हां सरकारां नू सबक सिखाउण वास्ते सानू कट्ठे होण दी जरूरत आ और कट्ठे हो के बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे सपने नू पूरा करन वास्ते लामबंद होना चाहिए क्योंकि बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने एक गल कही सी कि ए मेरे दलित समाज के लोगों अपनी झुग्गियां दीआं दीवारां ते लिख दिओ कि तुसीं एक दिन इस देश के हुक्मरान बनोगे। असी 2022 दे विच अपने समाज नू हुक्मरान बनाउण वास्ते लामबंद करांगे। जो बोले सुन रपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ग्यारनाथ महाराज की जय। चौजी पातशाह सतगुरु पूरनाथ महाराज की जय। गद्दी ते विराजमान संत गुर राजनाथ महाराज की जय। जोग पुरश डॉक्टर भीम राव अंबेडकर महाराज की जय। सर्वा साह संगत की जय। जो बोले सुन रपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मैं कुलदीप माझा जोन जनरल सैकटरी आदि गुरु ग्यारनाथ पूर्ण संघर्ष दल तो जो अज असी जथेबंदी के तौर के उत्ते मीटिंग तो की आश्रम के वख वखो करे जथेबंदियों ने हुंगारा भरिया वा कि 2022 की इलैक्शन के असी अपने समाज प्रति जड़ा वा जागरूक अपने समाज में करना वा और इन्हों अपने जोड़े आ
अधिकार लैन का जिहड़ा वा एक बीड़ा चुकिया होया वा कि इन्हां नूं किस तरह अधिकार जिहड़े आ जागरूक करके दवाउण दी कोशिश करनी। साडे कौमी चेयरमैन जोगिंदर मान जी ने ते साडी आल टीम जिहड़े आ साडे लक्की अठवाल जी पंजाब प्रधान वाइस प्रैजीडेंट सतनाम जी और ऑल टीम जी सर्व सारे नाम से मैं नहीं ला सकता। अज असी एक जिम्मे धर्मिंदर सिंह जी ने दी आ कि जोड़े यूथ न अवेयर करे अज इन्होंने बड़ा तगड़ा यूथ का कट किया वा तो यूथ के नाल जे रिलेटिड यूथ अगे आएगा तो सरकार जीडिया बन दया वा एक तो डिडक्शन के तो उस चीज़ तो सचेत करेगा और अपने जिन्हें भी नाल टीम के बंदे है उन्होंने एक अपने तख्त नाल जोड़ने की कोशिश करेगा और आने वाली 2022 दी चोणां दे विच जिहड़ा वा असीं अपनी सरकार बनावांगे तां कि अपने लोगों के हकों वास्ते लड़ सकीए और इन्हां नूं हक दवा सकीए। इन्हीं गल्लां दे नाल आस करदे हां कि जिहड़ी जिम्मेवारियां अज जिन्हें अहुदेदारां नूं दित्तियां वा वह अपनी जिहड़ियां इन्हां जिम्मेवारियां बखूबी निभाउणगे और तनदेही दे नाल जिहड़ी आ जथेबंदी दी सेवा करनगे। जो बोले सो निरपै भगवान वालमुखी जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। क्रांतिकारी संत बाबा पूरन नाथ महाराज की जय। हाजरा हजूर गद्दी दे निशान गद्दी दे विराजमान क्रांतिकारी संत संत गिरधारी नाथ महाराज की जय। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ मीडिया का जो अज इत्थे आया तो उस दे नाल जो मैं जो गल कहनी चाहुंदा अज एक इजलास बिठाया गया सी जिहदे विच पंजाब दियां हरियाणा ते राजस्थान दियां वख वख जिहड़ियां आदिवासी जथेबंदियां सी जो दलित जथेबंदियां सी दबे कुचले हुए समाज दी जथेबंदियां सी वो आईयां सी। तां विशा सी सोशो पोलीटिकल चैलेंजिस जिहड़े दलित समाज दे अगे आ रहे है ते पोलीटिकल चैलेंजिस जो साडे यूथ दे अगे आ रहे है जो सियासत जदों आना चाहुंदे आ तो किहड़े चैलेंजिस फेस करदे उहनां ते एक बड़ी लंबी डिस्कशन हुई ते क्योंकि समाज दा इंटैलीजेंशिया इत्थे मौजूद सी कुछ PhDs आए सीगे कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी PhD सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो PhD सी उन्हां सारिया नाल असी इस मैटर ते डिस्कशन कीती है ते डिस्कशन बड़ी ही कामयाब रही ते तुसीं आउण वाले समय च पॉजिटिव ते प्रोग्रेसिव जिहड़े दे रिजल्ट है वह पंजाब दे विच तुसीं वेखोगे। इन्हां कहिंदे होए मीडिया दा करी फिर बड़ा शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर दविंदर आदिवासी गुरु ज्ञाननाथ पूरन संघर्ष दल वल्लों मैं राष्ट्रीय जनरल सकत्तर रिपोर्टर कुलदीप सिंह की रिपोर्ट पंजाबी एक्टिव TV अमृतसर।